पाकिस्तान के कब्जे से भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई के लिए पूरा देश एकजुट है। इस एकजुटता को देश के लोग अलग अलग तरह से जाहिर कर रहे हैं। कहीं पर भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन की सलामत वापसी के लिए प्रार्थना और हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, तो कहीं पर हाथों में तिरंगा झंडा लेकर मानव श्रृंखला बनाते हुए भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे से भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई के लिए इस वक्त पूरा देश दुआ कर रहा है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लोग अभिनंदन के लिए न केवल प्रार्थना कर रहे हैं बल्कि उन पर गर्व भी महसूस कर रहे हैं। इंदौर में तो अभिनंदन की वापसी के लिए धार्मिक अनुष्ठानों का दौर जारी है। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना मंदिर में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन की सलामत वापसी के लिए प्रार्थना और हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान खजराना मंदिर से जुड़े पंडितों ने और आम लोगों ने यज्ञ के माध्यम से भगवान गणेश से प्रार्थना की कि विंग कमांडर अभिनंदन सही सलामत भारत लौटे, भगवान गणेश पाकिस्तान को सद्बुद्धि दे और वो विंग कमांडर अभिनंदन को सकुशल भारत को सौंप दे। आज हमने अभिनंदन जी के लिए पूजा की है, जो भारत माँ का सपूत है वो पाकिस्तान सरकार के अंदर में है, उनको सही सलामत आने के लिए हमने गणेश जी के सामने उनके नाम से पूजा की, महाभिषेक किया और हवन किया 21 पंडित द्वारा, और वो सही सलामत जो सपूत है भारत माता का वो सुरक्षित अपने घर वापस आए, इसीलिए हमने पूजा की है और हवन किया है। इसी कड़ी में भोपाल में शौर्य स्मारक पर बड़ी संख्या में पहुंचे स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए विंग कमांडर अभिनंदन की सुरक्षित रिहाई की मांग की। हाथों में तिरंगा झंडा लिए स्कूली बच्चों ने भारत माता की जय हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं स्कूली छात्रों ने हाथ में लिए पोस्टर के जरिए विंग कमांडर की सलामती की दुआ भी मांगी। स्कूली बच्चों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।